गुड मॉर्निंग 11th क्लास, एक बार फिर से आपका बिजनेस स्टडी की क्लास में वेलकम। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में फ्यूल है जो उनका कुछ इंट्रोडक्शन सुना। अब हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि और उस उनमें ऐसी क्या क्वालिटी थी जो उनका नाम इतने आदर से लिया जाता है और उनके प्रिंसिपल आज तक फॉलो हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या उनकी क्वालिटी पढ़ी। तो देखिए, हमने देखा था कि उनका जो जन्म है 1841 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रेंच। और उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट जाता है ना, उन्होंने ही क्या बनाए थे, प्रिंसिपल दिए थे इसके मैनेजमेंट के। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? उन्होंने ग्रेजुएशन किया था माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, ग्रेजुएट देखो। और उन्होंने वर्क कहाँ किया था? 1862 to 1892 तक जूनियर एग्जीक्यूटिव इन अ माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना, उसमें उन्होंने वर्क किया था। और उनका फिर प्रमोशन हो गया उसी कंपनी में। ठीक है, उसी कंपनी में वो प्रमोट हो गए 1892। तो अपॉइंट किस में हुए? वो अपॉइंटेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव से वो अपॉइंट हो गए। फिर क्या हुआ, उनके पास टैलेंट क्या था, ये देखते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि क्या टैलेंट था। जब वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, लॉस में क्या चल रही थी, वो सॉल्वेंसी हो गई थी, है ना। तो इनसॉल्वेंसी यानी होता क्या है, मैंने आपको थोड़ा बताया था लास्ट वीडियो में, यानी कि होता है कि जब हमारे पास को क्या हो जाता है, लोन किसी का पैसा, और हम उसको पे नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, है ना। 11th में भी हमने पढ़ा था। तो हम खुद नहीं बोलते कि हम दिवालिया हो गए, हमारी कौन मानेगा कि हम दिवालिया हो गए, जब कोर्ट द्वारा हमारे पूरे किसकी अकाउंट की, खाते जितने हमारे, उनकी जांच होती है और पूरा हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मकान है या कहीं प्लॉट है, उनकी सबकी जांच होती है। इसके बाद कोर्ट द्वारा हमको जब दिवालिया घोषित किया जाता है, तब हम कहलाते हैं दिवालिया। नहीं तो हमने बोल दिया हम दिवालिया हो गए, हमको किसी का पैसा देना, तो ऐसा नहीं होता, इंसॉल्वेंसी तब नहीं कहलाती। ठीक है, तो जब वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में थी, तब उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे उसको क्या, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया था। ठीक है, यानी उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया था, उनने सब अपने जो आसपास की चीज़ें देखी, एडमिनिस्ट्रेशन देखा, उसी उसमें उनने क्या किया, उसको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ, रिटायरमेंट हो गए वो 1916 में। और इसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने और कहीं वर्क ना करके किस पे ध्यान लगाया, स्टडी में और राइटिंग में, लिखने में ध्यान लगाया और स्टडी करते रहे प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से संबंधित। और उन्होंने उनकी मोस्ट पॉपुलर बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और वो पब्लिश हुई थी फ्रेंच में पहले 1916 में और इंग्लिश में हुई थी 1949 में। ठीक है, तो उनकी, और उन्होंने उसके बाद क्या किया कि जितने भी रिटायरमेंट होने के बाद, सिर्फ उनने किस पे फोकस किया, उन्होंने सिर्फ राइटिंग और स्टडी पे फोकस किया। ठीक है, और
उनके कितने प्रिंसिपल थे? 14 प्रिंसिपल। ये भी आपको फिलअप में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फ्यूल के कितने प्रिंसिपल थे, हाउ मैनी प्रिंसिपल। तो क्या लिखोगे? 14 प्रिंसिपल, है ना, ये ऊपर मैंने लिख दिया है। क्या है उनके जो फ्यूल थे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए। अब देखिए थोड़ा सा उनकी बारे में मैं और बनाती हूँ कि उनके कॉन्सेप्ट क्या थे, जो फ्यूल थे उनकी मैनेजमेंट के प्रति कॉन्सेप्ट क्या थे। तो उनके कॉन्सेप्ट थे पहले टेक्निकल, है ना, टेक्निकल प्रोडक्शन उनका कॉन्सेप्ट था, और फिर क्या था, कमर्शियल, जैसे बाइंग करना, सेलिंग करना और एक्सचेंज करना, और फिर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में कैपिटल कैसे सर्च करेंगे, कैसे जानेंगे, कहाँ से लाओगे कैपिटल, ये था, और उसका यूज कैसे करोगे, ये भी था उनके कॉन्सेप्ट। और फिर क्या था, सिक्योरिटी, कैसी, किसकी एसेट की, और जो पर्सन है उसकी सेफ्टी कैसे करोगे आप। फिर फाइनेंशियल, ये वो कैसे करोगे, अकाउंटिंग कैसे करोगे। फिर मैनेजमेंट कैसे करोगे, कैसी प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डायरेक्शन दोगे, कैसे, है ना, ये सब उनकी क्या थी, कॉन्सेप्ट थी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आगे।